विक्रम एक बहुत ही साफ दिल इंसान था। वो गरीब होने के बावजूद भी सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। विक्रम का एक दोस्त था गुल्लू। गुल्लू एक बहुत ही चालाक, मतलबी और लालची इंसान था। विक्रम जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था, तभी उसे रास्ते में गुल्लू मिलता है। विक्रम कहाँ जा रहा है? वही रोज की तरह लकड़ियां काटने जा रहा था। और तू बता, तू कहाँ जा रहा है? मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। पिताजी इतना धन छोड़ के गए, वो सब मेरा ही तो है। चल तू जा। विक्रम चलते चलते जंगल पहुंचता है और लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। वो लकड़ियां काट ही रहा होता है कि उसकी कुल्हाड़ी छूटकर तालाब में गिर जाती है। ये देखकर विक्रम बोलता है, अरे रे, क्या हो गया? अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब क्या करूंगा मैं? अब तो इस तालाब के अंदर जाकर ही कुल्हाड़ी मिलेगी। विक्रम तालाब के अंदर कूद जाता है और तैरते तैरते एक अलग ही जादू दुनिया में पहुंच जाता है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तालाब इतना बड़ा और इतना सुंदर है। अगर पता होता तो यहाँ जरूर घूमने आता। वाह वाह, क्या हरियाली है। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने आया था। चलो अब अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ लूं, वरना आज खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाएगा। विक्रम चलते चलते अपनी कुल्हाड़ी इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी के पास जाता है। बाबा, आपने मेरी कुल्हाड़ी देखी क्या? मैं लकड़ी काट रहा था और मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर तालाब में गिर गई। बेटा, मुझे कुल्हाड़ी का तो पता नहीं, पर मेरी एक मदद कर दो। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम इस पेड़ से थोड़े फल मेरे लिए तोड़ दो। बाबा आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए फल तोड़ देता हूँ। विक्रम पत्थर मारकर फल तोड़ता है और उस आदमी को दे देता है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाएगी। ठीक है बाबा, मैं आगे जाकर देखता हूँ। विक्रम आगे चलने लगता है। चलते चलते उसे एक बकरी के बच्चे की ममियानी की आवाज आती है। आवाज सुनकर विक्रम रुक जाता है और देखता है कि बकरी का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ है और उसकी माँ इधर उधर मदद मांग रही है। ये देखकर विक्रम गड्ढे से बच्चे को निकालता है। तभी उस बच्चे की माँ बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे को बाहर निकाला। अरे ये तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वो सबकी मदद करे। चलो अब मैं आगे जा रहा हूँ, तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना। विक्रम चलते चलते सोचने लगता है, अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा, कैसे कमाऊंगा, क्या होगा मेरा। तभी वहां एक फरिश्ता आता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिल रही, मैं इतनी देर से अपनी कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप है कौन? मैं एक फरिश्ता हूँ। फरिश्ता एक सोने की कुल्हाड़ी निकालता है और पूछता है, ये है क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। विक्रम, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने पहले उस भूखे और बूढ़े आदमी की मदद की और फिर उस बच्चे को भी निकाला, मैं बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फरिश्ते ने खुश होकर विक्रम को उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ कपड़े और मोतियों की माला और एक सोने की कुल्हाड़ी भी दे दी और उसे तालाब के बाहर भेज दिया। विक्रम बहुत खुश हुआ और अपने घर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में गुल्लू मिला। अरे विक्रम, तू तो किसी राजा की तरह लग रहा है, ये सब कहाँ मिला तुझे? विक्रम गुल्लू को सारी बात बताता है और विक्रम की बातों को सुनकर गुल्लू बोलता है, क्या सच में तुझे ये सब चीजें उस तालाब में रहने वाले फरिश्ते ने दी? हाँ गुल्लू, हाँ चल, अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे काम भी करना है। विक्रम ये कहकर वहां से चला जाता है।
और गुल्लू उस तालाब की ओर एक कुल्हाड़ी लेकर जाता है और जानबूझ के तालाब में कुल्हाड़ी फेंक देता है और तालाब में कूद जाता है। और थोड़ी देर बाद उस जादुई दुनिया में पहुंच जाता है और चलने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वो बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। अरे बाबा, वो फरिश्ता मुझे कहाँ मिलेगा? बेटा, तुम मुझे पहले कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। तुम इस पेट से मेरे लिए कुछ फल तोड़ दो। अरे अरे, रास्ता बताना है तो बताओ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं फल तोड़ने में अपना समय बर्बाद करूं। रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। गुरु चलने लगता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वो बकरी और बकरी का बच्चा मिला। लेकिन गुल्लू उसकी भी मदद नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। गुल्लू चलते चलते बहुत थक जाता है और थक कर एक जगह बैठ जाता है और बोलता है, अरे फरिश्ता मिल क्यों नहीं रहा, इतनी देर हो गई है। तभी वहां फरिश्ता आता है और बोलता है, अरे तुम इतने परेशान क्यों? वो मेरी कुल्हाड़ी खो गई है, इतनी देर से ढूंढ रहा हूं, मिल ही नहीं रही। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, ये तो मेरी कुल्हाड़ी है। तुम बहुत निर्दयी, झूठे और लालची इंसान हो। तुमने जानबूझकर उस तालाब में कुल्हाड़ी फेंकी थी। तुम्हारा मन काला है, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की तरह काला बना देता हूँ। फरिश्ते ने अपनी शक्तियों से गुल्लू का सारा शरीर काला कर दिया और उसे तालाब के बाहर भेज दिया।